मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सूजी का चटपटा नाश्ता। फ्रेंड्स, इसको आप सूजी की लच्छा मटरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको लच्छेदार बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आप इनको एक बार बना के किसी भी एयरटाइट कंटेनर भर के आप इसको 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। जब भी आपको सुबह कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको सुबह या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, या आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब भी आप इनको इस तरह से बना के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए इनको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है। सूजी इसमें डाल देते हैं। सूजी की जगह आप इसमें मैदे का यूज कर सकते हैं, या आप इसमें गेहूं के आटे का यूज भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ये हींग डाल देंगे। हींग से इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू और अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/4 चम्मच हम इसमें ये अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को इस तरह से हम हाथ पर रख के थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और इससे खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1/3 चम्मच हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह सिंपल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर एक कसूरी मेथी ले ली है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करके आप इसकी जगह धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि यही डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे मोहेड के लिए, यानी कि अच्छे से इनको बाइंड करने के लिए अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर सूजी ली है उसी कटोरी से हम इसमें 1/4 कटोरी हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें बिल्कुल इसी तरह से डालना है जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट मटरी बनेंगी। तो अब हम अच्छे से ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हाथों से, इस तरह से हाथों से मसलते हुए हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इक्वली मिक्स हो जाए। देखिए, हमें ऑयल इसमें इतना डालना है कि इस तरह से अच्छे से बाइंड जैसा हो जाए। तो अच्छे से देखिए, मैंने ऑयल को मिक्स कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर आधा कप गुनगुना पानी ले लिया है। फ्रेंड्स, हमें इसमें गुनगुने पानी का यूज करना है, क्योंकि सूजी है, सूजी अच्छे से फूल जाएगी और इससे जो मटरी है बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो ठंडे पानी का यूज भी कर सकते हैं, बट उससे इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी ये गर्म ऑयल से अच्छे से डो इसका लग जाएगा। ठंडे पानी का यूज ना करें, हल्का सा गुनगुना ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका हम सॉफ्ट चिकना डो लगा लेते हैं। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। जब आप इसमें स्टार्टिंग में पानी डालेंगे तो आपको लगेगा कि सूजी जो है थोड़ी सी विकरी सी है, बट जब आप जैसे जैसे इसको मसलते जाएंगे वैसे वैसे सूजी है जो फूलती जाएगी और वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट चिकना डो बन जाएगा। तो इसको हमें कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मसलना है। जितना हम अच्छे से इसको मसलेंगे उतना ही हमारा सॉफ्ट चिकना डो बनेगा और सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से अब हम मसलेंगे। तो पीछे की साइड से हम इसको इसी तरह से मसलते रहेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। बस इसी टाइम पे इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी आपकी मटरी। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखें। तो आप इस तरह से बना के इसको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको मन है तो चाय के साथ, या आप इसको दूध के साथ, जैसे चाय आपको, इसको यूज कर सकते हैं। या आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब भी आप इनको इस तरह से बना के ले जा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक मसल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट चिकना डो बन गया है और थोड़ा सा टाइट भी है। पतला डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पतला जैसा लगेगा, बट जैसे जैसे आप इसको मसलते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा इस तरह से टाइट होता जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल हाथों से भी नहीं चिपक रहा है, बहुत ही बढ़िया हमारा डो लग चुका है। तो अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो डो है काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए और मसल लेते हैं।
तो इस तरह से मैंने डो को सॉफ्ट चिकना बना लिया है। अब हम डो को दो भागों में इस तरह से डिवाइड करेंगे, ये देखिए, और इसकी एक थोड़ी सी बड़ी इसकी लोई बना के हम तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल चिकनी हम इसकी लोई बनाएंगे, कहीं से क्रैक्स नहीं होने चाहिए इस तरह से। अब हम एक लोई ले लेते हैं, उसको हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब हम इसको बेल लेते हैं, हमें बिल्कुल इसको रोटी के आकार का बेलना है, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, मोटा नहीं बेलना है, जितना हो सके उतना पतला कर लेंगे इसको। तो देखिए इस तरह का मैंने इसको बेल लिया है, बिल्कुल पतला बेला है ये देखिए इस तरह का। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, अच्छे से हम ऑयल को इस पर फैला देते हैं, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसको फैला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हाथों से इसको फैला दिया है इस पर इक्वली। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल रोल्स जैसा बना लेंगे हम इसको। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। तो छोटे छोटे पोर्शन में हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो है, इस तरह से अब हम इसको प्रेस कर देते हैं, हाथों से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको हमें बेलन से नहीं बेलना है, इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये लेयर्स दिख रही हैं, जब ये सिक जाएंगी तो इसमें से लेयर्स और काफ़ी अच्छे से निकल के आएंगी। अब ये थोड़ी सी चिपकी हुई लग रही हैं, बट जब हम इसको सेकेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल आएंगी इसमें से। तो इस तरह से हम इनको प्रेस करते रहेंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें लेयर्स दिख रही हैं। तो इसी तरह से हम सारे को बना के तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक कुछ इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम जो स्नैक्स हैं उनको हम इसमें डाल देंगे, एक बार में जितने आ जाएं आप उतने डाल दें, और गैस का फ्लेम मीडियम भी रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इनको सेकना है ताकि अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए और इनकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल के आए इसमें से। अभी हम इनको पलटेंगे नहीं, 1 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से सिकने देते हैं। अब इनको सिकते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इनको पलट देते हैं। तो हमें इनको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। अगर हम इनको तेज आंच पे सेकेंगे तो क्या होगा कि बाहर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी बट अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं, और इनको सिकने में टोटल 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये 2 से 3 मिनट में ही सिक जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। देखिए मैं आपको हिला के दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से हम इनको झड़ा देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हैं इनमें कितनी बढ़िया लेयर्स बनी हैं, काफ़ी अच्छी से इनमें लेयर्स निकल के आए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी सेक लेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी इसमें लेयर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को सेक लिया है, ये देखिए इसमें जो लेयर्स हैं वो कितनी अच्छे से दिख रही हैं, बहुत ही बढ़िया बना है ये देखिए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें, आप इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के, जैसे पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के आप इनको 15 से 20 दिन तक इस तरह से खा सकते हैं, या आप इनको चाय के साथ या कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब भी आप इनको इस तरह से बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।